हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मेरा बर्थडे है और मैं जा रही हूँ बाज़ार मेरे दोस्तों के साथ। और अभी मैं देखूँगी क्या करेंगे आज। वैसे ऐसा कुछ खास तो है नहीं, मतलब करेंगे हम तो ऐसे ही छोटा मोटा करेंगे जो हम शाम को रूम में ही करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बाज़ार चलते हैं, सामान लेके आते, फिर बाज़ार में ही मिलता है गाइस आपको। अभी तो मैं बस अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अब मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ। आज का OOTD मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं, तो मैं बाद में दिखाऊंगी अपना OOTD। फिर बाकी अभी यहाँ से रूम से निकलते हैं, फिर मिलते हैं बाज़ार में आपको। बाकी देखते हैं बाज़ार में भी हम, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स आएंगे बाज़ार में भी जो मेरे रूम नहीं आ सकते, तो देखते हैं गाइस वहाँ पे कुछ बाज़ार में भी हम कुछ छोटा मोटा कर लेंगे। बाकी शाम को ही करेंगे रूम में आके। तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं बाद में फिर। तो गाइस, अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और अभी मुझे जगात खाना भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे दीदी का दो सूट देना है जो वहाँ पे बुटीक में देना है मुझे। तो गाइस, अभी निकलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। अभी तो मैं जाऊँगी परे श्रुति दी के पास, वो भी तैयार हो रहे परे, तो मैं तैयार हो गई हूँ तो मैं परे जा रही हूँ। तो परे श्रुति दी और विधि तैयार हो रहे, बाकी देखते हैं गाइस एक बार हम जाएंगे जगात खाना, फिर उसके बाद देखते हैं कैसी है। ठीक है भाई, मिलते फिर वही। तो गाइस, अब मैं निकल चुकी हूँ, हम जा रहे हैं बाजार। तो मैं आज का OOTD दिखाती हूँ आपको, मेरा विधि दिखा दो। तो गाइस, हम निकल चुके, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, इस बारिश ने दिमाग खराब कर दिया। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको सीधा बाजार में, क्योंकि इस बारिश में मैं रास्ते में ब्लॉग नहीं कर सकती। अभी बारिश हो रही है और देख सकते हैं गाइस आजकल सतलुज कितना बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम यहाँ पे सूट देने आए थे दीदी का और हमने सूट दे दिया। अभी हम ये पुल जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। देख सकते हैं गाइस, सतलुज इतना बढ़ गया है कि इस वक्त तो कुछ खतरनाक ही है। तो गाइस, यहाँ से जल्दी जल्दी आगे निकलते और उसके बाद बाज़ार में मिलते आपको। कुछ खाते हैं निकी किचन में, यहाँ बारिश पड़ रही थी ना तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो रितिका भी मिल चुकी है हमारे को, बाकी श्रुति भी सब हमने सामान भी ले लिया है और मतलब केक भी ले लिया। और अभी हम मैंने थोड़ा कुछ मतलब कुत्तों के लिए पेडिग्री वगैरह लिया, जो मैं सोच रही थी पहले शेल्टर में, क्योंकि तो मैं सोच रही हूँ शेल्टर में तो बच्चों को रोज़ खाना मिलता ही है, तो जो रास्ते में डॉग्स घूम रहे होते हैं मैं उनको दूँगी। तो बाकी मिलते हैं गाइस आगे। देख सकते हैं अभी हमारे पार्लर में थ्रेडिंग कराना था और अभी शूटिंग थ्रेडिंग करवा रहे हैं। बाकी अभी देखते हैं हम यहाँ से जाएंगे हम लोग, फिर देखते हैं। अभी मुझे कॉल आ रहा है और मैं एक बार कॉल पिक करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। शिशोरुं हरितं कंबोदीशे की भाषे की भलाशी। तो गाइस, अब हम रूम पहुंच गए हैं और अभी मेरे को हो गया आई फ्लू और मेरे को अभी आंखों में बहुत दर्द हो रही है। तो गाइस, देखते हैं अभी मैं मतलब
अभी पहुँचे हम जस्ट, और अभी हम तैयारी वगैरह करते हैं, डेकोरेशन वगैरह हम घर में खुद से करेंगे, और उसके बाद डेकोरेशन करने के बाद मिलता है गाइस, आपको भी दिखाएंगे कि हम डेकोरेशन कैसे कर। मैं पूरा रेडी हो गई हूँ और मैंने लगाया है किनौरी टोपी, क्योंकि मैं अपने किनौरी टोपी के साथ ही केक कट करूँगी, क्योंकि ये हमारा शान है। तो मैं आज का आपको अपना ओ टी डी दिखाऊँगी। दिखाएगी आप भी कमेंट करके बताना मैं कैसे लग रही हूँ। बाकी मेरे आई फ्लू हो गया, मेरी आंखों को इग्नोर करना।